आप देख रहे हैं सुबह सुबह और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। अब हम बात करेंगे पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की। अनुमान के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है, 16 जनवरी तक खतरा कायम रहेगा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में ताजा बर्फबारी से पहले से बिगड़े हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। जहां ठंड से हड्डियां गलने लगे, खून जमने लगे, शरीर कांपने लगे, वहां के मौसम की तस्वीरें ध्यान से देख लीजिए। ये करगिल का वो इलाका है जो भारत में सबसे सर्द है। साइबेरिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे सर्द इंसानी बसेरा है द्रास। द्रास का पारा -31 डिग्री है। समंदर से करीब 3,300 मीटर की ऊंचाई पर बसा द्रास बर्फ की चादर से पूरी तरह ढक गया है। देखिए, इस कार के टायर बर्फ में छिपे हैं, छत बर्फ से ढकी है, आसपास कई फीट बर्फ का डेरा है। घर से निकले तो जमीन नहीं दिखेगी, सिर्फ बर्फ की सड़क दिखेगी। द्रास के ज्यादातर बाजार बंद है। इस इमारत को देखिए, इसकी सीढ़ियों पर बर्फ ही बर्फ जमी है। मकान से लेकर मैदान तक हर तरफ सब कुछ सफेद नजर आ रहा है। जिला मुख्यालय से आने वाले रास्ते बंद हो गए हैं, दुकानों पर ताला लगा है। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लोगों को जद्दोजहद करना पड़ रहा है। ये रोड की वजह से हमें प्याज वगैरह, नमक, ऐसे ऐसे बड़े बड़े चीजों का हमें शॉर्ट हो रहा है। रोड जल्दी बंद हुआ इसलिए थोड़ा हमारा प्रॉब्लम हो रहा है। द्रास से नीचे उतरने पर श्रीनगर के भी हालात कुछ अलग नहीं है। भारी बर्फबारी से देश के दूसरे हिस्से से कश्मीर वादी पूरी तरह कट गया है। मौसम इतना खराब हो गया कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर सभी फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। कश्मीर को जोड़ने वाली सड़कें भी बंद हैं। हालांकि यहां बड़े पैमाने पर बर्फ को हटाने का काम जारी है, लेकिन लगता नहीं कि लोगों को जल्द राहत मिलने वाली है। पूरी तरह से हर तरफ बर्फ ही बर्फ जो है वो सड़कों पर टिकी हुई थी और यहाँ तक कि आवाजाही में बड़ी दिक्कतें आज सुबह से ही श्रीनगर शहर में लोगों को हो रही है। जगह जगह पर सड़कों को सुबह से ही साफ करने के प्रयास चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि श्रीनगर शहर के अलग अलग इलाकों में बर्फ को साफ करने के लिए मशीनें तो निकली है, लेकिन अभी भी पूरी शहर की जिंदगी थम सी गई है। वादिय कश्मीर में आसमान से जमी पर गिरती रुई की फाही की तरह सफेद बर्फ लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर रही है। मशहूर पर्यटक स्थल मनाली में भी सोमवार को जबरदस्त बर्फबारी हुई। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक बर्फ की बरसात ने ठंड बढ़ा दी। मंडी में भी मौसम का मूड बिगड़ा तो लोगों की मुसीबत बढ़ गई। लैंडस्लाइड की वजह से चंडीगढ़ मनाली हाईवे को बंद करना पड़ा। दोनों तरफ लंबा जाम लग गया, सैकड़ों वाहन फंस गए। मंडी में ताजा बर्फबारी के साथ पानी का संकट गहरा गया है। प्रशासन ने लोगों को ऊंचाई वाले इलाकों में न जाने की अपील की है। बर्फ को पिघलाकर पानी जमा किया जा रहा है। 16 जनवरी तक हिमाचल के अलग अलग जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। अगर मौसम की चाल ऐसी ही रही तो हालत काफी बिगड़ सकते हैं। बिजली पानी की समस्या से लोग पहले ही परेशान हैं। पिछले एक हफ्ते में बर्फबारी के दौरान हुए हादसों में 4 लोग जान गंवा चुके हैं। हिमाचल में अब भी 400 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल दोनों ही राज्यों को आने वाले कुछ दिनों तक मौसम की मार से राहत के आसार नहीं। द्रास से बकरी, श्रीनगर से अशरफानी, मनाली से मनविंदर अरोड़ा और मंडी से परी शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
उत्तराखंड में भी मौसम लगातार परीक्षा ले रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रही। रुक रुक कर हो रही बर्फबारी के बीच पर्यटकों के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं। खराब मौसम, कड़कड़ाते बादल, जबरदस्त बारिश के साथ बर्फीले तूफान ने दिन में रात जैसा माहौल कर दिया। पर्यटन नगरी धनोल्टी और मसूरी में सोमवार को जमकर बारिश और बर्फबारी हुई। पर्यटक स्थल बुरांश खंडा में बर्फीले तूफान की वजह से कई इमारतों को नुकसान हुआ। बारिश के साथ बरसे ओलों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। खराब मौसम के बीच सड़कों पर लंबा जाम भी लगा। ये तस्वीरें देखिए, पहाड़ों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगने से लोग जहां तहां फंस गए। इस वीडियो को गौर से देखिए। कमर तक बर्फ के बीच एक शख्स खड़ा है जो अपनी लाठी से बर्फ को हटाकर रास्ता बना रहा है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम की ये तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। बर्फ हटाने वाला ये शख्स मंदिर की सुरक्षा में लगा पुलिसकर्मी है। यमुनोत्री धाम में 6 फीट तक बर्फ गिर चुकी है। रात में पारा -13 डिग्री पहुंच जाता है। ऐसे में मुश्किल हालात में भी ये जवान मुस्तैदी से डटे हैं। यमुनोत्री में कई दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। धाम का एक एक जरा बर्फ से ढका है। अनुमान के मुताबिक सोमवार को फिर औली में बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बीच पर्यटकों का हुजूम भी बढ़ने लगा। औली पहुंचने के रास्ते बंद है। रोपवे से पर्यटक यहां पहुंचकर मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन चमोली जिले के 153 गांव बर्फबारी से प्रभावित हैं। पर्यटकों के लिए मौज मस्ती की बर्फबारी स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत से कम नहीं। खेत, जंगल, पेड़, पहाड़, मकान, रास्ते, सब कुछ बर्फ से ढका है। बागेश्वर के चप्पे चप्पे पर बर्फ है। कई गांव बर्फ की आगोश में हैं। 4 फीट तक जमी बर्फ ने पहाड़ जैसी मुसीबत लोगों के सामने खड़ी कर दी है। ऐसे मौसम में इंसान ही नहीं मवेशियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भेड़ पालने वाले गांव वालों को भेड़ों के लिए चारा नहीं मिल पा रहा है। उत्तराखंड में 4 धाम बर्फ से ढके हैं। ज्यादातर जिलों में मौसम की मार नए साल में भी जारी है। औली से कमल नयन सिलोड़ी, उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा, बागेश्वर से जगदीश पांडे और मसूरी से सुनील सिलवाल के साथ आज तक ब्यूरो। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग की। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में महीनों से लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। जबरदस्त सूखे और गर्मी के बीच बिना बारिश के आग को बुझाना बेहद मुश्किल है। आग पर पूरी तरह से काबू पाना ऑस्ट्रेलिया के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं। 5 महीने से ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भीषण आग। जंगल की आग में करोड़ों पशु पक्षियों की दर्दनाक मौत। आग में 2000 से ज्यादा मकान जलकर राख। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी आग ने ली 25 से ज्यादा लोगों की जान। सड़क के दोनों तरफ आग ही आग है। बीच में एक गाड़ी में सवार फायर फाइटर्स की टीम है। लपटों के बीच ये जांबाज आग को बुझाने की जद्दोजहद में लगे हैं। पिछले कई महीनों से ऑस्ट्रेलिया के आसमान का रंग लाल हो गया है। जंगल को जला देने वाली आग का धुआं ऑस्ट्रेलिया के आसमान की पहचान बन गई है। 5 महीने से ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में राख बनाने वाली आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। हालात इतने खराब हैं कि इस आग पर काबू पाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की तीनों सेनाओं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को लगाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भीषण आग ने सब कुछ अपनी जद में ले लिया है। जानवर, इंसान, सड़कें, पेड़, मकान, सब कुछ आग की चपेट में है। इस आग से अब तक 1,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जलकर राख हो चुका है। आगजनी में अब तक 25 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं।
2000 से ज्यादा घर बार तबाह हो चुके हैं। आशंका है कि हालात और बुरे होंगे। तापमान के टूटते सारे रिकॉर्ड, सूखे जंगल और तेज हवा के कारण आग और भयावह हो गई है। इसी महीने सिडनी का तापमान 49 डिग्री तक पहुंच गया। ऑस्ट्रेलियाई प्रशासन का कहना है कि जब तक बारिश नहीं हो जाती तब तक आग को पूरी तरह नहीं बुझाया जा सकता। ऑस्ट्रेलिया का हर स्टेट आग से प्रभावित है, लेकिन सबसे बुरी तरह से न्यू साउथ वेल्स आग की चपेट में आया है। ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहर मेलबोर्न और सिडनी भी आग से प्रभावित हैं। न्यू साउथ वेल्स में 123 से ज्यादा जगहों पर आग लगी है, जबकि विक्टोरिया प्रांत में शनिवार तक 32 जगहों पर आग लगी होने की खबर है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक न्यू साउथ वेल्स का करीब 30% जंगल जल चुका है। आशंका है कि इस हफ्ते ये दायरा 50% तक जा सकता है। भीषण गर्मी और बिना बारिश के जंगलों की आग से निपटना नामुमकिन सा है। जंगल की आग ऑस्ट्रेलिया की जमीन को निगल रही है। बुरी खबर यह है कि निकट भविष्य में राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। ऑस्ट्रेलिया में दशकों बाद ऐसा सूखा पड़ा है। दिसंबर में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गर्मी और तेज हवाओं की वजह से आग फैलती जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग के बाद से लोगों में सरकार को लेकर काफी गुस्सा है। खुद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन आग से निपटने के तौर तरीकों पर अपनी सरकार की गलतियों को कबूल कर चुके हैं। As a government, as a nation, we extend our deepest sympathies to you, and we make this commitment to all Australians that we will be there for you during this immediate response, and we will be there for the rebuilding and the recovery. ऑस्ट्रेलिया की आग में सबसे ज्यादा नुकसान जानवरों को उठाना पड़ा है। ये जल रहे जंगल ही उनका घर है। इसी आग में करोड़ों जानवर राख हो गए। मौसिकी आचार्य, न्यू साउथ वेल्स, आज तक। फिलीपींस की राजधानी मनीला के नजदीक एक ज्वालामुखी के सक्रिय होने की वजह से अफरा तफरी मच गई। ज्वालामुखी से लगातार राख और धुएं का गुबार निकल रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ज्वालामुखी बहुत ही जल्द फट सकता है। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ भाग रहे हैं। वहीं प्रशासन ने स्कूल कॉलेजों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक को बंद करने का आदेश दे दिया है। हालात इतने खराब हैं कि मनीला इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। ये भयावह तस्वीरें हैं फिलीपींस के ताल ज्वालामुखी की। चारों तरफ धुएं का गुबार, दूर तक आसमान में सिर्फ काला धुआं और राख छाया हुआ है। ज्वालामुखी के इस रूप से कोहराम मच गया है। इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। ज्वालामुखी के सक्रिय होने की वजह से ताल के पूरे क्षेत्र में अब तक 75 बार भूकंप के झटके आ चुके हैं। ज्वालामुखी से निकला हुआ राख हजारों किलोमीटर तक फैल गया है। सड़कों से लेकर घरों और गाड़ियों पर राख जमा हो गया है। हालात इतने खराब हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर भाग रहे हैं। पूरे बंटागस प्रांत में स्कूल कॉलेज से लेकर सरकारी दफ्तर तक बंद कर दिए गए हैं। फिलीपींस की मीडिया के मुताबिक आसमान में 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक धुएं और राख का गुबार उठ रहा है। ज्वालामुखी से निकला हुआ राख न सिर्फ बंटागस बल्कि राजधानी मनीला में भी गिर रहा है, जिसकी वजह से मनीला के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा है। साथ ही ज्वालामुखी वाले क्षेत्र में उड़ान पर भी रोक लगा दी गई है। हालात इतने खराब हैं कि अब तक 240 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये ताल ज्वालामुखी अगले कुछ घंटों में फट सकता है, इसलिए यहाँ भगदड़ मची हुई है। ताल लेक पर मौजूद इस ज्वालामुखी के भड़कते ही राजधानी मनीला का मौसम भी काफी खराब हो गया है। ज्वालामुखी का लावा और राख 32,000 से 49,000 फीट दूर तक फैल गया है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने बंटागास और कैविटे प्रांत से करीब 8,000 स्थानीय लोगों को बाहर निकाल लिया है। आशंका है कि अगर ज्वालामुखी फटा तो इसका लावा ताल लेक में गिरेगा, जिससे आसपास के इलाकों में सुनामी आ सकती है। बता दें कि ताल दुनिया के सबसे छोटे ज्वालामुखियों में से एक है। हालांकि ये फिलीपींस का दूसरा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है।
पिछले 450 सालों में ये 34 बार फट चुका है। आखिरी बार ये 1977 में फटा था। साल 1911 में भी इसमें विस्फोट हुआ था और 1500 लोगों की जान चली गई थी। आज तक ब्यूरो।